अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मूंग की छिलकों वाली और चने की दाल, जो बनी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से बनाई है। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसके लिए मूंग की दाल छिलकों वाली ले ली है एक बड़ा कप, और चने की दाल छोटा कप जो है इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और इसमें शामिल करेंगे पानी और इसको तकरीबन एक घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। और एक घंटा हो चुका है, दाल हो चुकी है नरम। अब हम इसको शामिल करेंगे कुकर में और बर्तन को अच्छे तरीके से करेंगे साफ। इससे आपके खाने में आती है बरकत। लहसुन अदरक प्याज सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है और पानी भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर दें। नमक एक चम्मच, सुरख मिर्च डेढ़ चम्मच और हल्दी भी डेढ़ चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। दालचीनी और गर्म मसाला जो है वो अभी हमने शामिल कर दिया है। ये है खुश्क धनिया, और आप लोगों को पता है कलवंजी हम लाजमी शामिल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और टमाटर दो अदद इसमें शामिल कर दिए हैं। ढक्कन को ऊपर से करेंगे बंद। वेट के 20 मिनट बाद चेक करते हैं। दाल हमारी हो चुकी है तैयार माशाल्लाह। अब हम इसका लगाएंगे तड़का, और इसके लिए कुकिंग ऑयल हमारे प्यारे से फ्राई पैन में हमने डाल दिया है। और जब कुकिंग ऑयल हो जाए गर्म तो इसमें हम डालने जा रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा करेंगे ब्राउन, और ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको शामिल करने जा रहे हैं दाल में। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दाल बनाने का, आप लोग लाजमी ट्राई करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसको ऊपर से करेंगे कवर ताकि जो इसकी स्मेल है ज़ीरे की जो खुशबू है वो हमारी दाल में शामिल हो जाएँ। तो माशाल्लाह हमारी दाल जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये दलीम या हलीम की तरह बहुत ज़बरदस्त बनी है। कैसे लगी आज की वीडियो लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।